हेलो दोस्तों, तो ये देखिए बाबू आया है खेत में, क्योंकि आज गिर गया था बेड से और ये ककड़ी तोड़ के दिए हैं तो इसका पेट दर्द आराम हो गया। बाबू कहाँ लगा लगाओ के जगह ये कई जगह लाल बताओ। हाँ बाबू कहाँ गाँव लगा बताओ तो दोस्तों गुड मॉर्निंग आप सबको। देखिए हम आए हैं आज खेत में, बहुत ही यहाँ पे अच्छा हवा बह रहा है। ये देखिए बहुत ही देखिए कितना तेज हवा बह रहा है। बाबू भी आया यहाँ पे, समझिए कि आज तो वो गिर गया है, समझिए कि सोया था बेड पे, या समझिए कि दो पलटनिया में नीचे आ गया है, समझिए उसका भी तबीयत थोड़ा आज थोड़ा डैमेज है, बहुत ही रो रहा है, उसके पेट उट में घाव लग गया है। और हम तो कल गए थे बारात में, आपको दिखाए ही थे कि बारात में समझिए कि वहाँ भी व्यवस्था भी बहुत अच्छा था, गया था बिहार में, व्यवस्था तो वहाँ पे वहाँ के लिए तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन ये जो हम लोग क्या से जो गया था देवरिया से, समझिए कि बहुत सारी जितने कितना दिक्कत हुआ इन लोगों को, कोई भी बारात में रुकने का नाम नहीं ले रहे थे लोग, समझिए कि गए और 11 बजे से ही वो लोग आना चालू कर दिए। 11 बजे से समझिए कि अभी बारात में भी नहीं पहुंच रहा था ना, उसके पहले ही लोग आना चालू कर दिए, गए थे नाश्ता पानी किए और बहुत लोग गाड़ी बहुत लोग चले आए थे यहाँ पे। और देखिए आज हम आए हैं यहाँ पे खेत में, अपने देख रहे हैं ना, खेत में आए हैं अपने, और यहाँ कहें कि थोड़ा हवा पानी ले लें, क्योंकि गाँव में जानते हैं ये कि थोड़ा उतना हवा नहीं लग रहा है जितना कि यहाँ पर लग रहा है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे घेवड़ा तिरोही लौकी ये सब बोया गया है। हम कहेंगे तनी चल के एक बार यहाँ पे देख लें, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ भी फसल भी बहुत सारा बोया गया है, मतलब फसल मतलब सब्जी वगैरह, घेवड़ा तिरोही लौकी ये सब कुछ यहाँ पे बोया गया है। और अब देखिए हम वहाँ बारात से जब आए ना तो हम क्या बताएं, मेरा भी तबीयत ख़राब ही हो गया था समझिए रात में मान ली कभी जगने का आदत है नहीं, और उस दिन रात भर जगना पड़ा, और समझिए कि 3 बजे से हम लोग चले वहाँ से और 5 बजे तक घर आए, 3 बजे नहीं चले लगभग 2:45 बजे चले वहाँ से और 5 बजे तक घर आए, समझिए कि रात भर एक तरह से जगे ही रह गए हम लोग। यहाँ देखिए बच्चे सब खेल रहे हैं इस समय, क्योंकि खेत भी यहाँ इस समय खाली है, सब लोग बच्चे सब भी गांव से थोड़ा आज संडे भी है तो ये सब खेलने में लगे हुए हैं लोग। और बाबू भी आया है यहाँ पे तो हम कहें कि थोड़ा इसको भी टहला दे, क्योंकि सुबह में बहुत रो रहा था। और बताइए आप लोग ठीक ठाक है ना, लगन के चलते लगन में तो समझिए कि आदमी समझिए कि अगर आदमी अपने हिसाब से ना रहे तो समझिए कि इस मौसम में बहुत ही जो चेंज हो रहा है ना क्लाइमेट, समझिए कि बहुत दिक्कत होगा सबको। खेत में तो ये बाउंड्री वाल लगा ही है, देख रहे हैं ना, ये बाउंड्री वाल नहीं लगा है, मतलब कुछ पेड़ का जो टुकड़ा टुकड़ा है वही काट के लगा हुआ है यहाँ पे, और समझिए कि उसके बावजूद भी ये जो लीलगाय वगैरह जो होते हैं सब ये सब घुस जा रहे हैं और काट दे रहे हैं। ये देखिए हम आपको चारों तरफ से दिखा रहे हैं यहाँ पे बाउंड्री वाल, तो मतलब वो लगाई है, मतलब बाउंड्री वाल सिर्फ नाम है, बना है लकड़ी का है, ये देख रहे हैं ना, ये देखिए ये सब लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन उन सब का पैर बड़ा बड़ा होता है घोड़प्रास का, समझिए हाँ वो सब इसी में मान लीजिए फान जा रहे हैं सब, फान जा रहे मतलब खुद के इसमें घुस जा रहे हैं सब। अब क्या करेंगे इसमें, यहाँ देखिए ये देखिए बाउंड्री वाल के सटे ना ये मक्का बोया गया है, तो ये जो लगा हुआ है बाड़ जो लगा हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे बड़ा तो उन लोगों का गर्दन है गर्दन है, समझिए कि बारे से उन लोगों का काम चला ले रहे हैं। ये किनारे किनारे वाला जो है ना ये सब काट के खा लिए हैं सब, हाँ तो ये सब यहाँ पे ये लोग काट के खा लिए हैं, देख रहे हैं ना मक्का इस समय अब तैयार होने वाला है, बहुत ही जल्दी तैयार होगा, और जब तैयार होगा ना तो आप लोग को भी खिलाएंगे, और जब बुलाएंगे तो आइएगा भुट्टा खाने के लिए, क्योंकि भुट्टा अब तैयार ही होने वाला है बहुत जल्दी ही। हाँ ये देखिए यहाँ पे ये सब भुट्टा इस समय लगभग तैयार होने वाला है,
देख रहे हैं ना, ये जो बाउंड्री वाल है ना, ये जो देख रहे हैं ये लगा हुआ है, ये इसी के बगल में बोया गया है मक्का। देख रही देख लीजिए आप लोग, इसी के बगल में बोया गया मक्का। और जितना किनारे वाला आइटम है, मतलब जितना किनारे वाला ये जो है घोरपड़ा से आ रहे हैं लोग ना, तो सब इधर से खा ले रहे हैं सब, क्योंकि ये जो बाड़ लगा हुआ है देख रहे हैं ना, ये जो लगा हुआ है इससे इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर से इन लोगों का गर्दन चला जा रहा है और ये लोग खा ले रहे हैं। अब समझिए कि आधा तो ख़त्म ही हो गया है, किनारे वाला जितना बोया गया था सब ख़त्म ही हो गया है। थोड़ा सा अब जहाँ से गर्दन थोड़ा दूरी बच रही है वही बचा हुआ है इन लोगों के पास से। देखिए बाबू भी आया है खेत में, और देखिए वो क्या कर रहा है। पानी क्या कर रही हो बाबू को लेके? नीचे नहीं जा रहा है क्या, केवल गोदी में रह रहा है? ये देखिए बंडा बोया गया है हमारे यहाँ, देख रहे हैं ना, बंडा भी है, बहुत अच्छा तैयार हो गया है। इसमें समझिए कि ये दो गन्ना हो गया है, अब जम गया होगा, कहीं से गिर गया होगा तो जम गया, क्योंकि यहीं पे बीज रखा गया था तो उसी से जम गया है। अब ये है इसमें ठीक है। और भिंडी का पोजीशन आपको दिखा दें, ये देखिए भिंडी तो सूख रहा है इस समय, हालांकि पता नहीं क्यों सूख रहा है, क्योंकि देखिए ये सब पत्ता पीला पीला सूखा सूखा नज़र आ रहा है, देख रहे हैं ना, तो भिंडी का पोजीशन तो इस समय ख़राब है। देखिए बाबू क्या कर रहे हो जी, बाबू बाबू बदमाशी कर रहा है, और आज गिर गया था ये बेड से नीचे, समझिए बाबू बहुत इसको चोट लगा है पेट में। कहाँ लगा है बाबू, घाव कहाँ लगा है? हाँ देखिए वहाँ पे घाव लगा है, ये दिखा रहा है आप लोगों को कहाँ पे घाव लगा है। और बहुनिया लेके आई है क्योंकि आज इसका छुट्टी है, आज संडे है तो छुट्टी है, तो यहाँ पे आई है बहुनिया, ये देख लीजिए। बाबू और कहाँ कहाँ घाव लगा है बता दो, कहाँ पे घाव लगल बा, कहाँ घाव लगल बाबू के जाऊ हो जू? अच्छा तो ये देख लीजिए बाबू को भी होजू घाव लगा है थोड़ा हाफ बोलता है ना इसलिए। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए बाबू आया है खेत में, क्योंकि आज गिर गया था बेड से और ये ककड़ी तोड़ के दिए हैं तो इसका पेट दर्द आराम हो गया। बाबू कहाँ लगा लगाओ के जा का ये कई जगह लाल बताओ, हाँ बाबू कहाँ गाँव लगा बताओ समझिए कि आज सुबह सुबह ये बेड से नीचे गिर गया है और इसका पेट पे घाव लगा है, समझिए इतना रो रहा था, इतना रो रहा था कि अब लेके आए इसको खेत में। और ये देखिए लिया है ककड़ी, हाँ अब इसी में ये भूल गया है और थोड़ा दर्द इसका आराम हो गया। बाबू कहाँ घाव लगा बाबू, कहाँ घाव लगा बताइए बा के जू ये देखिए।